ंग टू डिस्कस अबाउट द माइक्रो कैरियर कल्चर सो माइक्रो कैरियर्स क्या होते हैं माइक्रो कैरियर बेसिकली दे प्रोवाइड द सर्फिस मैट्रैट इनेबल्स द अटैचमेंट ऑफ अर्डर सेल्स टू फॉर्म द सेल माइक्रो कैरियर कॉम्पलेक्स सस्पेंडेड इन द ग्रोथ मीडियम सो यहाँ पर आप जो ये बीट देख रहे हैं दिस इज द माइक्रो कैरियर बीट तो माइक्रो कैरियर क्या करता है एक सर्विस प्रोवाइड करता है जो अडर एंड सेल्स हैं उनके लिए देखो जो अडर एंड सेल्स होते हैं अडर एंड सेल्स माने कि जिनको कि क्या चाहिए अटैचमेंट अटैचमेंट के लिए दे नीड सम सरफेस ठीक है तो ऐसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं अडर एंड सेल्स बोलते हैं तो उनको क्या चाहिए एक सरफेस चाहिए जहाँ पे कि वो अटैच हो सके जहाँ पे वो क्या हो सके अटैच हो सके तो ये जो माइक्रो कैरियर्स हैं वो उनको एक सरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसपे कि ये जो सेल्स हैं वो अटैच हो सकते हैं एंड फिर ये जो बीड्स होती हैं माइक्रो कैरियर बीड्स होती हैं इनको हम क्या करते हैं सपोज दिस इज़ अ बायो रिएक्टर तो हम इस बायो रिएक्टर के अंदर ये जो छोटी छोटी जो हमारी माइक्रो बीड्स हैं इसको डाल देते हैं एंड ये जो हमारे अडरेंट सेल्स हैं वो आसानी से इनके ऊपर क्या हो सकते हैं चिपक सकते हैं इनके ऊपर अटैच हो सकते हैं सो आई मीन टू से दैट माइक्रो कैरियर क्या कर रहे हैं एक तरीके का सर्फिस प्रोवाइड कर रहे हैं अडरेंट सेल्स को फॉर देयर ग्रोथ जब हम तो सपोर्ट मैट्रिक्स जो है दैट अलाउज़ द ग्रोथ ऑफ़ द अडर इन सेल्स साइज़ जो रहता है माइक्रो कैरियर्स का दैट इज़ 125 टू 250 माइक्रोमीटर स्पेयर अब पोर्स के बेसिस पर भी माइक्रो कैरियर्स काफ़ी सारे टाइप के हो सकते हैं माइक्रोपोरस माइक्रो कैरियर यानी कि जिसमें छोटे छोटे पोर्स मैक्रो पोरस यानी कि जिसमें थोड़ा बड़ा साइज़ हो एंड नॉन पोरस मतलब जिसमें कोई पोर्स नहीं होते हैं जो मोस्ट एफिशिएंट है दैट इज़ द माइक्रो पोरस सो अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो वी हैव दाई इथाइल अमाइनो इथाइल डेक्स्ट्रिन एकमाइड पॉलिस्टाइरिन कोलेजन एल्जनेथ ग्लास इन सभी को आप क्या कर सकते हो माइक्रो कैरियर की तरह यूज़ कर सकते हो सो so, एडवांटेजेस क्या है माइक्रो कैरियर्स यूज करने के रिडक्शन इन द टेक्निकल लेबर रिडक्शन इन इंक्यूबेशन वॉल्यूम एंड फ्लो स्पेस एबिलिटी टू प्रिसाइजली कंट्रोल द सेल ग्रोथ इजी टू स्केल अप सो जो एनकरेज डिपेंडेंट सेल्स हैं यानी कि जो हमारे अडरेंट सेल्स होते हैं ना उनको नॉर्मली अप करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि जो अडर एंड सेल्स है दे नीड अ सर्फेस ठीक है अगर सर्फेस कम होगा तो उनकी ग्रोथ भी क्या हो जाएगी लिमिटेड हो जाएगी लेकिन ये जो माइक्रो कैरियर्स होते हैं सपोज करो कि जो अडर एंड सेल्स हैं ये मोनोलेयर में ग्रो कर रहे हैं ठीक है मोनोलेयर में ग्रो कर रहे हैं हम उसको एक स्पीयर प्रोवाइड करते हैं हम उनको माइक्रो कैरियर्स प्रोवाइड कर रहे हैं विच इज़ अ काइंड ऑफ सर्फेस मैटरस अब वो जो सेल्स हैं वो इसके ऊपर ग्रो कर सकते हैं इसके ऊपर अटैच हो जाएंगे इसके ऊपर अटैच हो जाएंगे सो so, अब हम क्या करते हैं जो हमारा बायो रिएक्टर है सपोज दिस इज़ द बायो रिएक्टर इसके अंदर क्या है हमारा कल्चर मीडियम है इसके अंदर हमारा कल्चर मीडियम है इसके अंदर हम क्या डाल देते हैं अपनी माइक्रो बीड्स डाल देते हैं दीज ब्लैक वन आर द माइक्रो बीड्स ठीक है जी दीज आर द माइक्रो बीड्स फिर हम डाल देते हैं अपने अर्डर एंड सेल्स ब्लू वन आर द अडर एंड सेल्स अडर एंड सेल्स क्या करेंगे इन माइक्रो बीड्स के ऊपर अटैच हो जाएंगे इनके ऊपर अटैच हो जाएंगे बहुत सारे सेल्स जो है इसके ऊपर अटैच हो जाएंगे तो क्योंकि सरफेस एरिया इनको क्या मिल रहा है ज़्यादा मिल रहा है तो इनकी ग्रोथ भी क्या हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी मतलब अगर आप यहाँ पर देखें अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं नॉर्मल आपने बैक वो बायो रिएक्टर में जो सेल्स हैं अर्डर इन सेल्स वो डाले हैं तो उनका रेट कितना कम आ रहा है लेकिन अगर आप माइक्रो कैरियर्स का यूज़ करते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट यील्ड है वो बढ़ जाता है प्रोडक्ट यील्ड क्या हो जाता है बढ़ जाता है सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो कैरियर्स स्मॉल साइज के होते हैं टू मैक्सिमाइज द अवेलेबल सर्फिस एरिया फॉर द सेल ग्रोथ ऑर्डर इन सेल ग्रोथ लाइट वेट होते हैं टू अलाउ इजी सस्पेंशन इन द कल्सोमीडियम ट्रांसपेरेंट होते हैं टू अलाउ ईजी ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेल अटैचमेंट एंड ग्रोथ दे आर चार्ज टू अलाउ द सेल अटैचमेंट ऑन टू द सर्फेस अगर आपको माइक्रो कैरियर्स में देखो माइक्रो कैरियर्स ये हमारी जो बीड है इसके ऊपर जो सेल्स अटैच्ड हैं अगर हमें उसको रिमूव करना है उसको एक्सट्रैक्ट आउट करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे डिटैचमेंट के लिए आप ट्रिप्सिन या फिर कलाजन ही इसका यूज़ कर सकते हो ये मैंने डिसअग्रीगेशन का जब लेक्चर लिया था तब मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा था अगर आपने नहीं देखा है तो आपको एनिमल बायोटेक्नोलॉजी वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ओके सो डिटैचमेंट इज़ बाय यूजिंग ईदर ट्रिप्सन और कलाजनीस ट्रीटमेंट डिटैच सेल्स सेपरेटेड बाई सीविंग थ्रू अ नाइलॉन मेश इससे भी आप उसको सेपरेट आउट कर सकते हो सो so, हमारे क्या क्या स्टेप्स हो जाएंगे यहाँ पर यहाँ पर अगर हम स्टेप्स देखें तो सबसे पहले हमने क्या किया जो हमारे ऑर्डर इन सेल्स हैं उनको आप आइसोलेट कर लीजिए उनको आप कल्चर करिए लैब के अंदर और माइक्रो कैरियर्स के ऊपर दिस इज़ आर माइक्रो कैरियर उस माइक्रो कैरियर के ऊपर हम क्या करेंगे उनको अटैच करा देंगे अटैचमेंट हो जाएगी उनकी एंड फिर आप उसको लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकते हो बाय ट्रांसफरिंग दोज माइक्रो कैरियर्स इन टू द बायो रियाक्टर बायो रिएक्टर के अंदर आप उसको ट्रांसफ़र करिए लार्ज स्केल प्रोडक्शन आपको मिल जाएगा उन सेल्स का अडर इन सेल्स का एक आपके मैक्रो कैरियर्स भी होते हैं फ़र्क इतना है कि बस साइज़ का फर्क होता है बाकी सेम ही है ये भी क्या होता है सपोर्ट मैट्रिक्स ही होते हैं सेल्स को सपोर्ट ही प्रोवाइड कर रहे हैं बस साइज़ डिफरेंट है इनका जो साइज होता है वो ग्रेटर देन टू फिफ्टी माइक्रोमीटर होता है ठीक है मतलब जो थ्री हंड्रेड से फोर हंड्रेड माइक्रोमीटर आप लेके चलो जो इनका स्फीयर का साइज है वो कितना होगा थ्री हंड्रेड से फोर हंड्रेड माइक्रो जो हम ऊपर माइक्रो कैरियर्स पढ़ रहे थे उनका अराउंड वन ट्वेंटी फाइव से टू फिफ्टी के बीच में रहता है और इनका टू फिफ्टी से ऊपर ही है एवरेज जो है दैट इज थ्री हंड्रेड टू फोर हंड्रेड माइक्रोमीटर ठीक है इनका जो साइज़ है वो माइक्रो कैरियर्स के कम्पेरिजन में ज़्यादा होता है एडवांटेजेस क्या है अफिशियंट ऑक्सीजनेशन अफिशियंट न्यूट्रेंट एक्सचेंज हाई यील्ड ऑफ बायो प्रोडक्ट ऑब्वियसली हम इनको यूज़ क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए सो पोर्स के बेसिस पे जो मैं आपको बता रही थी कि जो हमारे माइक्रो कैरियर्स होते हैं सबसे पहले हमारे पास है डेक्स ट्रिन माइक्रो कैरियर्स एग्जाम्पल साइटोडेक्स आर माइक्रोपोरस माइक्रोपोरस यानी कि जिनमें जो पोर का साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है पोर साइज इज़ नॉट सफिशियंट टू अलाउ द सेल्स टू कॉलोनाइज द इंटीरियर ऑफ द बीट्स नेक्स्ट हमारे पास है मैक्रोपोरस जो कि मैं आपको बता रही थी कि उनका साइज काफ़ी ज़्यादा हाई होता है एंड ये मोस्ट अफिशियंट होते हैं फॉर द बायो प्रोडक्ट फॉर्मेशन सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो मैक्रोपोरस है दैट इज़ द कल्टी स्वेयर इंक्रीज सर्फेस एरिया होता है अटैचमेंट के लिए ज़्यादा सर्फेस एरिया होता है इंटीरियर इन्वायरमेंट टू प्रोटेक्ट द सेल्स अगेंस्ट द एडवर्स श्यर फोर्सेस ठीक है जी तो सबसे ज्यादा मोस्ट एफिशिएंट फॉर द बायो प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज़ मैक्रोपोरस सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इफ यू लाइक द वीडियो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे